नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 12 जून 2020 है। 12 जून 2020 की बड़ी खबरें क्या है? कल तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस और इसके संक्रमण की खबर को लेकर लोग डर जाते थे। आज भारत भी उसी तरह हो गया है। हो नहीं गया है, बल्कि भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की तारीख में भारत ब्रिटेन से 5592 मामलों में अधिक है। यानी भारत में ब्रिटेन से करीब 6000 कोरोना संक्रमित बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि भारत में अभी 2,97,000 कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। अकेले महाराष्ट्र में 97,648 मरीज हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कुल संक्रमितों की संख्या 34,687 हो गई। इधर बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 250 नए केस मिले हैं। इस प्रकार बिहार में संक्रमितों की कुल संख्या 5,948 हो गई। अब तक 35 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इधर आंकड़ों का अवलोकन करें तो बिहार में रिकवरी भी तेजी से हो रही है। बिहार में अब तक 3,086 लोग ठीक हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन में सरकार ने ढील दी है, मगर कोरोना वायरस ने नहीं। कोरोना अपने तेवर में आगे बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी ऐलान के बाद जब से लॉकडाउन में ढील की बात कही गई, तब से ही लोग सार्वजनिक स्थलों, हाट बाजारों में भीड़ लगाने लगे हैं। सरकार के स्तर से जो शर्तें लागू है उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कई बार तो चौक चौराहों पर सोशल डिस्टेंस का मजाक भी देखने को मिलता है। शायद ऐसी ही परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी कि सरकार लोगों को चेताते हुए कहना पड़ा कि यदि आदतों में सुधार नहीं किया गया तो ढील वापस ले लेंगे। सचमुच आपको और तमाम लोगों को परिस्थितियां समझनी होगी। हमें और जागरूक एवं सतर्क रहना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए पिछले लॉकडाउन में आपके संयम ने ही देश को सामुदायिक संक्रमण से सुरक्षित रखा है। आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो कोरोना को हम जरूर मात देंगे। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में टिड्डी दल के संभावित प्रकोप को लेकर सूबे के 10 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आपात बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिया। बिहार के जिन जिलों में टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका है, उनमें उत्तर प्रदेश से सटे राज्य के कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ सारण, सीवान और गोपालगंज जिले हैं। अलर्ट किए गए जिले के पंचायतों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। डोर टू डोर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिला मुख्यालय स्थित विवेकानंद कॉलोनी में एक टेंट हाउस में आग लग गई। यह घटना 12 जून की अहले सुबह की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आग रात में ही लग गई होगी। सवेरे आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों और दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो शहर बड़ी आगलगी की चपेट में आ जाती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने परिवार वालों के साथ वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उनकी केक काटने वाली वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया, जिससे उनके चाहने वालों में काफ़ी हर्ष का माहौल बन गया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की उम्र 73 वर्ष की हो गई है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर जमकर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि लालू राबड़ी के 15 साल में बिहार से बहुत कुछ छिन गया, जिनके शासनकाल में दो पीढ़ी के लाखों युवाओं को रोजगार छिन गया। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के गरीब मजदूर किसान अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटते। गत 11 जून को बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने राजद सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन सोल्लास मनाया। पूर्णिया में जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास और प्रवक्ता आलोक राज की अगुवाई में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। कटिहार जिले के बराड़ी विधायक नीरज कुमार यादव ने गरीबों को भोजन कराया और लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताया। उन्होंने लालू प्रसाद के शासनकाल में गरीबों की आवाज़ बने लालू के स्नेह को याद दिलाया। हमारे संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि मोतिहारी के पताही में चिरैया के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव ने गरीबों के लिए भोज का आयोजन कर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। बिहार के मधेपुरा पूर्णिया NH 107 पर
चांदनी चौक स्थित बीएड कॉलेज के पास कार की ठोकर से बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार के किशनगंज जिले के कजलामनी स्थित आदिवासी टोला के पास लीची पेड़ के समीप गुरुवार को 35 वर्षीय युवक मन्नान का शव मिला है। इस मामले को लेकर पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है। सहरसा जिले के रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित पान दुकानदार पर बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली फायरिंग कर पान दुकानदार को जख्मी कर दिया। बेगूसराय जिले के राजापुर गांव के समीप रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हालांकि शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाने के पहाड़पुर मध्य विद्यालय के समीप क्रिकेट खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद में एक युवक को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम मनीष कुमार पारू बताया जा रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर बिहार में वर्षा के आसार हैं। अभी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में वर्षा हो रही है। इसका असर जल्द ही बिहार में होगा। धान के किसानों के लिए यह शुभ संकेत होगा कि अगर बिचड़ा तैयार है तो रोपनी आसान हो जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वी दक्षिणी बिहार में आंधी के साथ पानी के आसार हैं। संभावना यह भी जताई गई है कि बिहार में 14 जून तक मानसून का पूरी तरह प्रवेश हो जाएगा। बिहार, बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय पूर्णिया में फोर्ड कंपनी चौक से मरंगा तक शीघ्र ही 6-लेन रोड बनेगा। इस रोड के चौड़ीकरण के लिए पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने आधारशिला रखा। उनके साथ स्थानीय विधायक विजय खेमका भी थे। सांसद ने बताया कि यह रोड 6,59,00,000 की लागत से बनेगा। अब चलते हैं कमेंट की ओर। हमारे कमेंट बॉक्स पर दुबई से संतोष प्रसाद हैं। वे बिहार के बेतिया जिला के हैं। उन्होंने लिखा है कि कोरोना को लेकर वहां भी काम बंद है। जिस कंपनी में काम करते हैं वहां से टिकट के लिए आजकल किया जा रहा है। हम लोग लगभग 150 आदमी हैं। राजू कुमार ने नेपाल से लिखा है कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं। कुंदन कुमार ने कमेंट किया है कि वे हरियाणा में फंस गए हैं। हरियाणा से बिहार के जमालपुर के लिए ट्रेन कब है? जय कुमार पासवान अपने यार की शादी में यमुनानगर में फंसे हुए हैं। वे सहरसा के रहने वाले हैं, सहरसा आना चाहते हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। बिहार से ही अरशद अंसारी लिखते हैं कि 4 महीने से घर बैठा हूँ, घर में खर्चा नहीं है। मधेपुरा जिला के दिलराज कुमार ने जानना चाहा है कि क्या अनलॉक 01 में शादी हो सकती है। दिलराज जी, आपको इसके लिए स्थानीय जिला अथवा अनुमंडल प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, परमिशन के लिए आवेदन करना चाहिए। कृष्णा कुमार जालंधर में हैं और बिहार आना चाहते हैं। अररिया के मोहम्मद बेलाल ने लिखा है कि हम लोग लॉकडाउन के समय से ही हिमाचल में फंसे हुए हैं। दरभंगा से धनिकलाल कुमार ने पूछा है कि स्कूल कब खुलेगा। सुपौल जिले के राम कुमार लगातार कमेंट बॉक्स पर आ रहे हैं। वे जालंधर में फंसे हुए हैं, घर आने के लिए बेताब हैं। यही परेशानी अनिल कुमार की है, वो भी कोयम्बटूर में हैं, समस्तीपुर बिहार आना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स पर बिहार की किरण कुमारी आ गई हैं। उन्होंने सवाल किया है कि मुंबई से भागलपुर के लिए ट्रेन कब खुलेगी। इसी प्रकार हमारे कमेंट बॉक्स पर मोहम्मद सज्जाद, श्याम नंदन चौधरी, सोनू कुमार, दीपक यादव, आलोक, सुधीर, नीतीश, हरिंदर सिंह, शिवशंकर तिवारी, ब्रजेश शाह, विवेक कुमार समेत कई लोग आए हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।